हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हेलो शशांक, कैसे हो भाई? हाय गाइस, हेलो बबलू, कैसे हो आप दोनों के दोनों? कैसी चल रही है आप दोनों की पढ़ाई? शशांक, पिज्जा वगैरह खा के हो गया तुम्हारा? और खाना है पिज्जा या हो गया है? कैसे हो बबलू तुम? सो यहाँ पर वंस अगेन आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही है अन अकेडमी की। हाय सुप्रीति, हेलो। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास में। हम देखने वाले हैं PYQ। किसके PYQ देखने वाले हैं? DU के PYQ देखने वाले हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं। मतलब आप लोगों को बाएं हाथ का काम लगेगा, इतना इजी होता है। हेलो शालिनी, सुशांत पूछ रहा है प्लस पे कब आने वाले हो? परसों से अपना शुरू हो रहा है इकोलॉजी का कोर्स, और उसके साथ साथ एनिमल फिजियोलॉजी परसों से शुरू हो रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लॉन्च करने को दे दिया है, RDT भी लॉन्च करने को दे दिया है, वो भी हो जाएगा लॉन्च कल तक, आपको उसका भी समाचार आ जाएगा। हेलो जैनब, हेलो रिचा, दोनों के दोनों लॉन्च होने के लिए जा चुके हैं। और कुछ करना है लॉन्च तो बता दीजिए। एनिमल किंगडम जल्द लॉन्च हो जाएगा। यथार्थ ने वो बोला था, कौन सा कोर्स बोला था? डेफ बायो, वो भी जल्द मैं लॉन्च करने के लिए डाल दूंगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रही है मेरी प्रोफाइल, जो कि अवंतिका बंसल नाम से है। किधर मिलेगी आपको? अन अकेडमी पे मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रोफाइल का लिंक नीचे दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, जाइए फटाफट फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, इन सभी फ्री लेक्चर्स को देखिए। और उन सब के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा अवंतिका लाइव 10, ताकि आप क्या कर सके, आप उन्हीं सब क्लासेस को फ्री में देख सके, बिल्कुल फ्री में। एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में लॉन्च करने वाली हूँ शशांक, मई में हो पाएंगी वो, मई की स्टार्टिंग में हो पाएंगी वो। एमएससी एंट्रेंस के फॉर्म कब आएंगे? जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एज सून एज अप्रैल में आ जाए, वी कैन एक्सपेक्ट दैट, नो इश्यू बबलू। स्टार्ट करें फिर हम आज की क्लास की। PYQ सेशन देखिए, आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो DU के PYQ में है, वो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जी प्रोटीन इज फॉल्स? जी प्रोटीन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? दे मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर द सेल कैन मेक नीडेड CAMP। दे बिकम एक्टिवेटेड बेन बाउंड टू GDP। दे आर इन्वॉल्व इन सिग्नल कैस्केड्स, दे बाइंड टू एंड आर रेगुलेटेड बाई गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है? सेल बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, बताइए। हम मोस्टली जितने भी मैक्सिमम फॉर्म्स है ना, हम इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो पेपर्स अब होने हैं जून में होने हैं या फिर मई एंड में होने हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम पेपर मैक्सिमम फॉर्म्स हमें इस महीने में दिख सकते हैं, एक्सेप्ट गेट भी। गेट भी तो पता नहीं, वो तो थोड़ा बाद में ही आता है, बट बाकी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने में आ जाएंगे। बबलू ने बोला है बी, मौली बोल रही है बी, सुप्रति ए, शशांक बी एंड शालिनी बी, वेरी गुड। क्या होगा आंसर? दे बिकम एक्टिवेटेड वेन बाउंड टू GDP। क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है, तो क्या होगा? दे बिकम एक्टिवेटेड बट बाउंड टू GDP, बिल्कुल गलत है। वो GTP से जब बाइंड होती है ना, हमने देखा था जी प्रोटीन की तीन सब यूनिट्स होती है, आपको याद है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा सब यूनिट जब GTP से बाइंड होती है तब होती है एक्टिव, और जब GDP से बाइंड होती है तब होती है इनएक्टिव। आप सबको बहुत अच्छे से याद है, तो शाबाश। सबसे पहले आंसर किसने दिया था? बबलू ने दिया था, मौली, शशांक, शालिनी, वेरी गुड, आई एम वेरी वेल। शशांक तुसी दसो किदा हाल चाल वड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वंस अगेन DU के PYQ का है, रेड हेयर इज अ रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन। रेड हेयर क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट है ह्यूमन में। इन अ रेंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम, अबाउट 9% ऑफ द इंडिविजुअल्स आर रेड हेयर्ड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? इनमें से कौन सी कितनी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? कि हेट्रोजाइगस कितने होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हार्डी वेनबर का क्वेश्चन है ये। हार्डी वेनबर को अगर आपको डिटेल में और समझना है और उसके टिप्स देखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैंने परसों ही स्पेशल क्लास ली थी अन अकेडमी पे हार्डी वेनबर से रिलेटेड,
उसमें हमने पूरा देखा था किस कैसे जल्द से जल्द सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, स्पेशल क्लास है अवंतिका लाइफ 10, यूज कीजिए और देख लीजिए, फटाफट मौके का फायदा उठाइए. यस शशांक, वी नो यू आर क्यूट एज ऑलवेज. यस बबलू बोल रहा है सी आंसर है, और कोई फटाफट सॉल्व कीजिए, इसका जवाब दीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है लिटरली, हार्डी वेन पर इक्वेशन, दो ही इसके हार्डी वेन पर के फॉर्मूले है, दैट इज 2PQ + Q² और एक फॉर्मूला है P + Q, इनमें से कोई एक लगता है और आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब पाना होता है. हार्डी शशांक, हार्डी बहुत इजी है. एनीवन एल्स, शशांक और बबलू का ही जवाब आया है, उसके अलावा इन दोनों ने तो वो वाली क्लास अटेंड की थी, बाकी भी जवाब दीजिए भाई, या फिर मैं ही बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व. टेक 1 मिनट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. पूजा ने भी बोल रही है मैम सी होगा, वेरी गुड. पता नहीं हमें कौन सा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है सॉल्व कर रहे हो. मॉली सी, ठीक है. और कोई चैलेंज करना चाहेगा इन चारों को, ए बी डी लगता है, कोई बोलना चाहेगा बबलू शशांक पूजा या फिर मौली को कि आप गलत हो भाई, बिल्कुल गलत हो. चलो बता देती हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या बोल रहा है कि 9% इंडिविजुअल्स कैसे हैं, रेड हेयर्ड हैं, यानी कि उनके पास रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट होगा, इस तरीके से हम मान लेते हैं ए प्रेजेंट होगा. 9% है, इस परसेंट को पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, तो हम क्या करेंगे 9/100 कर देंगे. 9/100 हमने क्यों किया, ऑब्वियसली बात है 9/100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है. क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 0.09 मिलेगा. ये जो परसेंटेज था ये किसका था, इंडिविजुअल का था, इंडिविजुअल का था यानी कि जीनो टाइप का था. इंडिविजुअल में दो चीजें आती है ना, दोनों की दोनों चीजें आएंगी, तो ये जीनो टाइप का था, 9/9%, तो उसको मैंने 9/100 किया, कैलकुलेट किया तो क्या आएगा 0.09. ये 0.09 क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई. किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई. जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ गई यानी कि मेरे को क्या मिला, ए मिला, या फिर मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, P² बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती. हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है 2PQ की, हेट्रोजाइगस की फाइंड आउट करनी है, दैट इज 2PQ. इसके लिए मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई P क्या है और Q क्या है. बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल वेरी गुड ब्यूटी जाना, क्या बात है. यहाँ पर अगर आपको P फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ P² यानी कि P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09. तो P will be equals to 0.3. अगर आपके पास 0.3 आ गया तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, Q फाइंड आउट कर सकते हो, कि P plus Q is equals to 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3 plus Q is equals to 1. तो Q कितना आ जाएगा, 1 minus 0.3. तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 आ गई. आपके पास Q की वैल्यू मौजूद है, आपके पास P की वैल्यू मौजूद है, क्या आप हेट्रोजाइगस को फाइंड आउट कर सकते हो, बेशक, कोई टेंशन ही नहीं है, 2PQ से फाइंड आउट कर लूंगी मैं, 2 × 0.3 × 0.7 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.42 आ जाएगा. ठीक है, मुझे मिल चुकी है फ्रीक्वेंसी, इन्होंने वैल्यू परसेंटेज में दी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, आंसर आ जाएगा 42%, सी इज द आंसर. वेरी गुड बबलू, शशांक, पूजा, मौली और ब्यूटी जाला, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दिए. यस गाइस, डू लाइक दिस वीडियो लेक्चर. ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑन एन STS पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लॉग ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर नेगेटिव चार्ज. बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, बायोकेमिस्ट्री का भी बोल सकते हैं और हम टेक्निक से भी ये क्वेश्चन को बोल सकते हैं. तो इसमें आप बताइए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, माइग्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. शशांक और शाइना ने बोला है सी, मौली ने बोल रहा है मैम डी, और कोई, बिल्कुल अच्छा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है यहाँ पे, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर.
कौन सा मॉलिक्यूल फट 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 करके भागेगा और कौन सा मॉलिक्यूल धीरे 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 भागेगा। वेरी गुड शशांक, शाइना वेरी गुड, बबलू वेरी गुड, शालिनी, पूजा, शुभ्रा बहुत ही बढ़िया। लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होगा जी, नेगेटिव चार्ज तो सब पे ही होता है, एसडीएस कर रहे हैं ना, तो एसडीएस मॉलिक्यूल हर प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट कर देगा। भूल गए एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट सब पे ही नेगेटिव चार्ज इम्पैक्ट कर देगा। वही है तो मॉलिक्यूलर वेट से, जो बहुत मोटा है वो धीरे धीरे मूव करेगा, जो पतला सा छोटा सा जिसका मॉलिक्यूलर वेट है फट 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 करके भाग जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होता है जी, नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे कैसे हो सकता है, एसटीएस पेज की बात चल रही है यहाँ पे, भूल गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है फीनोटाइप सच एज बियर्ड इन अ वुमेन इज मोस्ट लाइकली अ रिजल्ट ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ। अरे शशांक तुम हर बात से डर जाते हो, तुम ना रेस्ट लो, तुम्हें रेस्ट की कभी कभी बहुत जरूरत हो जाती है। एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है कि जो फीनोटाइप होता है बियर्ड किस वजह से आ सकती है फीमेल में, थायराइड पिट्यूटरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल मेड्यूला। बबलू का कहना है ए, शशांक का कहना है नहीं मैम सी, अभिषेक का कहना है बी, कोई डी भी बोल दो यार, डी भी बोल दो, अब तो एक ऑप्शन को क्यों छोड़ना है, डी भी बोल दो। मौली भी बोल रही है सी। एनीवन एल्स, फटाफट। बिल्कुल बढ़िया सी होगा, वेरी गुड अमृता, सी। सुप्रति बहुत ही बढ़िया, सी आंसर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है क्या बनाएगा, एंड्रोजन बनाता है, एंड्रोजन बनाता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्म होता है। टेस्टोस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बियर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बियर्ड फॉर्म होगी, यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की जब माल फंक्शनिंग होता है तब ऐसा होता है। सी ऑप्शन सही होगा, वेरी गुड ब्यूटी जाना, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ लैक ऑपेरॉन रेगुलेशन व्हाट हैपेंस व्हेन इकोलाई इज ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। किसका क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नामक हमारी प्यारी सी यूनिट का ये क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लैक ऑपेरॉन का जब हम रेगुलेशन करते हैं और अगर हमने मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही डाल दिए, खुश होकर हमने दोनों ही डाल दिए, मोगैम्बो खुश हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ए ऑप्शन, बोथ कैप एंड लैक रिप्रेसर आर बाउंड टू द डीएनए, कैप इज बाउंड टू द डीएनए बट द लैक रिप्रेसर इज नॉट, लैक रिप्रेसर इज बाउंड टू द डीएनए बट कैप इज नॉट, नीदर कैप और द लैक रिप्रेसर आर बाउंड टू द डीएनए। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बबलू कह रहा है मैम डी आंसर सही है, शालिनी भी डी बता रही है, पूजा भी डी, और बोलिए शशांक भी डी, मतलब मान लिया है तुम लोगों ने डी आंसर सही है भले ही गलत हो। अमृता भी बोल रही है डी, पक्का लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए। सुप्रति डी, ब्यूटी जाना डी, अभिषेक डी, बहुत ही बढ़िया। नीदर कैप नॉर द लैक रिप्रेसर आर बाउंड टू द डीएनए, वेरी गुड साइना, वेरी गुड मॉली। ना कैप बाइंड आउट हो पाएगा, कैप क्यों नहीं बाइंड हो पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ने उसको पकड़ के रखा है। लैक भी बाइंड आउट बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको लैक्टोज ने पकड़ रखा है, दोनों को किसी ना किसी ने पकड़ रखा है जिसकी वजह से वो नहीं जाके बाइंड हो पाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड विनायक। अरे विनायक के टीपी संदीप, संदीप माहेश्वरी है, क्या बात है विनायक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स इज, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, इवोल्यूशन यूनिट से क्वेश्चन है ये, द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट इज, वन क्वार्टर सेम एज दैट ऑफ सिबलिंग सिबलिंग्स, लोअर देन दैट बिटवीन सिबलिंग्स, हायर देन दैट बिटवीन सिबलिंग्स, कितनी होगी भाई बताइए। एल्ट्रुइज्म कभी सुना है, तो एल्ट्रुइज्म में आता है ये पार्ट, इवोल्यूशन में एल्ट्रुइज्म में बताइए। विनायक बोल रहा है सी, बबलू बोल रहा है सी, सुशांक भी सी, दैट लोअर देन बिटवीन सिबलिंग्स सिबलिंग्स। एनीवन एल्स जो कि चैलेंज करना चाहता है इन लोगों को, मुझे तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन गलत है, मैं बोल रही हूँ ऑप्शन गलत है।
गलत है, गलत है ऑप्शन। नहीं, एनीवन एल्स? चक्रवर्ती बोल रही है, बी होगा। बबलू हाफ बोल रहा है, यस सेम एज दैट बिटवीन सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का भी कितना होता है? हाफ होता है। और पेरेंट्स और बच्चों का भी कितना होता है? हाफ होता है। हाफ होगा, हाफ कितना होगा? सेम एज दैट ऑफ बिटवीन सिबलिंग्स, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया ना कि कजिन्स हैं या रियल है, तो हम यही समझ लेंगे रियल होंगे, हम यही समझ लेते हैं रियल है, तो फिर रियल है तो रियल का हाफ ही होता है और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी हाफ होता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये क्वेश्चन शशांक तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना, तो मैं एल्ट्रुइज्म वाला पार्ट पढ़ा दूंगी, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए तुम चिल रहो। इवोल्यूशन वाले जब यूनिट आएगी ना अपनी 12 तारीख को अपन पढ़ेंगे, तब अपन ये सब पढ़ने वाले, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वन मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन इज इक्वल्स टू, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। वन मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन किसके इक्वल होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान। बताइए जेनेटिक्स वाले, जिन जिनने जेनेटिक्स की क्लास अटेंड की थी, बबलू बताओ। वेरी गुड बबलू, वेरी गुड श्रीवास्तव, वेरी गुड चक्रवर्ती। क्या होगा? 1% विल बी द आंसर। वेरी गुड अभिषेक। जितना मैप यूनिट होता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देती तो 10% हो जाता है। जितना तुम्हें मैप यूनिट दिख रहा है ना उतना ही रिकॉम्बिनेशन होता है। वेरी गुड, सबका ही आंसर बहुत उम्दा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इन लाइव सेल्स इज कॉस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। फ्रैप की बात चल रही है कि फ्रैप को क्यों यूज किया जाता है। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, सेल बायोलॉजी प्लस टेक्निक का क्वेश्चन है ये। को लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनल्स, न्यूक्लिक एसिड कॉम्पैक्टनेस। सुप्रति जी का बोलना है बी है और शशांक का बोलना है ए है, ए। विनायक का डी बोलना है, बबलू का बोलना है ए, राजीव बी, गोल्डी ए, शशांक ए, डी। तो सुप्रति का आंसर बिल्कुल सही है, और किसका आंसर है? राजीव का आंसर बिल्कुल सही है, शालीन का आंसर, शालिनी का आंसर बिल्कुल सही है, राज का आंसर बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स को देखने के लिए यूज करते हैं। आपको याद है ना हमने देखा था इस तरीके से लिपिड्स के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन भी देख सकते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का भी डिफ्यूजन देख सकते हैं। इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, फिर इसकी फोटो ब्लीचिंग कर देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से जो लिपिड के मॉलिक्यूल या प्रोटीन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो लाइट दिखने लगती है आपको। इस तरीके से मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया था, याद आया आप लोगों को? प्लस क्लास में देखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन मतलब पीएम से डिफ्यूज होना जरूरी नहीं है शशांक, लेटरल डिफ्यूजन भी एक नाम होता है ना, लेटरल डिफ्यूजन, पीएम के अंदर ही लेटरल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब सिर्फ ये होता है कि कहीं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना या फिर मूवमेंट शो करना। मैम इसमें लोकेशन चेंज हुआ था ना? हाँ लोकेशन चेंज हुआ था, डिफ्यूजन हुआ था ना बबलू? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डिफ्यूजन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, इसलिए डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान आया आपको? बी ऑप्शन सही होगा। याद आ गया सबको? जिस जिसने क्लास अटेंड की थी, जिसने नहीं भी की थी उसको भी मैं बता दूं कि इस तरीके से यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अगेन सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन, सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन है कि इन इफ अ सेल मेक्स बोथ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड द रिसेप्टर फॉर दैट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ दिस सिग्नलिंग इज टर्म्ड एज। इस सिग्नलिंग को हम क्या बोलेंगे? अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज भी कर रहा है और उसके साथ साथ उसका रिसेप्टर भी उसके पास है, उसको क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन। बहुत ही बढ़िया शशांक, बबलू, शाइना,
शशांक बहुत ही बढ़िया ऑटो क्राइन, गोल्डी बहुत ही बढ़िया ऑटो क्राइन बोलते हैं, वेरी गुड निशा। ऑटो क्राइन यानी कि ये वाले सेल ने ही मॉलिक्यूल को रिलीज किया और इसी सेल के पास क्या है, इसके लिए रिसेप्टर है। तो सी ऑप्शन, आई एम सो सॉरी, सी ऑप्शन कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्यूमिंग दैट ब्लू फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज डोमिनेंट करेक्टर ओवर व्हाइट, व्हेन अ ब्लू फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट द प्रोजेनी शोड 50% ऑफ द प्लांट्स विद ब्लू कलर्स एंड 50% ऑफ द प्लांट्स विद व्हाइट कलर्स, द जीनोटाइप्स ऑफ ब्लू एंड व्हाइट पेरेंट्स रिस्पेक्टिवली आर। किसका क्वेश्चन है ये? ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, डीयू के पेपर में सारे क्वेश्चंस को पूछा गया है। बबलू बोल रहा है सी आंसर, साइना बोल रही है बी, अमृता सी, निशा बी। वाह, 50-50 रेशियो चल रहा है यहाँ पे, देख लिया जाए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। चक्रवर्ती सी, शशांक सी, राजीव सी बोल रहे हैं, ठीक है चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लू कलर जो है वो डोमिनेंट है व्हाइट कलर के ऊपर, जब हमने क्या किया, ब्लू फ्लावर प्लांट को क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ, तो प्रोजेनी हमें क्या मिली, 50% हमें मिले ब्लू कलर वाले और 50% हमें मिले व्हाइट कलर वाले, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन सिर्फ तब हो सकती है जब ब्लू कलर वाला जो है वो हेट्रोजाइगस होगा और व्हाइट कलर वाला कैसा होगा, व्हाइट कलर वाला होमोजाइगस रिसेसिव होगा, सिर्फ उस कंडीशन में ये वाली बात आ सकती है। हम क्रॉस करके भी देख लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये रिजल्ट होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, बहुत ही बढ़िया। बी ऑप्शन में तो एक भी बच्चा व्हाइट कलर का हो ही नहीं पाएगा, सबके सब हेट्रोसाइगस होंगे, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। वेरी गुड शशांक, राजीव, शालिनी, साइना, सुप्रति, साइना, वेरी गुड गोल्डी, पूजा, वेरी गुड चक्रवर्ती, अमृता एंड बबलू, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चले, मॉल बायो से ये क्वेश्चन है, मॉल बायो के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टेक्निक यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बाय मिसेलसन एंड स्टॉल इन ईकोलाई वॉस, कौन सी टेक्निक को यूज किया गया था ये बताने के लिए कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ऑटो रेडियोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड वर्मा, वेरी गुड मोमित, वेरी गुड साइना, बबलू, राज, शालिनी, शशांक, अमृता, गोल्डी, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या देखा गया था, N15, N14 को देखा गया था, इन सब की जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग से होगी, उस बेसिस पे हमें पता चल गया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, बहुत ही बढ़िया गाइस, उम्दा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम वाले टॉपिक से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखना इसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल टैक्सोनॉमिकल सिस्टम ऑर्डर द फॉलोइंग फ्रॉम द मोस्ट जनरल टैक्सोनॉमिक ग्रुप टू द मोस्ट स्पेसिफिक ग्रुप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको इसका मेरे में मिल जाएगा। बबलू बोल रहा है सी, ब्यूटी जाना डी बता रही है, सी सी चक्रवर्ती सी, शालिनी सी। इसका ट्रिक बोलोगे, इसका ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है, किंग पीटर कैन ऑर्डर फॉर गुड सूप, बहुत सिंपल ट्रिक है, तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किंग पीटर कैन ऑर्डर फॉर गुड सूप। वैसे शशांक भी है, तुम भी बता सकते हो शशांक, तुम्हारी जो ट्रिक है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, काफी आसान है। अभी तक नहीं आए हैं अंकुश, जल्द आने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लाइकोप्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट मोएटी ऑलवेज गेट्स अटैच्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये।
हाँ मैंने पढ़ा कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये भी है, वेरी गुड शशांक, बहुत ही उम्दा ट्रिक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़ लिया मैंने शशांक, पढ़ा, बहुत बढ़िया है। इन ग्लाइको प्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट मोइटी ऑलवेज गेट्स अटैच टू विच अमाइनो एसिड, कौन से अमाइनो एसिड से अटैच होती है कार्बोहाइड्रेट की चेन, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सही होना चाहिए, बहुत ईजी है। ब्यूटी जाना सी बोल रही है, बबलू डी, मेरा भी यही है ट्रिक शशांक, वेरी गुड, शशांक भी बोल रहा है सी, गोल्डी सॉरी डी, गोल्डी डी, वेरी गुड। क्या होगा, एस्पैरिजिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन, एस्पैरिजिन पे कहाँ होता है, ईआर में होता है, और सेरीन और थ्रियोनिन पे कहाँ होता है, गोल्जी पे होता है, इसको बोलते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, इसको बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड राज साइना, बहुत ही बढ़िया, उमदा, शाबाश। नेक्स्ट, डोसेज कंपनसेशन इन ह्यूमंस इज ब्रॉट अबाउट बाय, जो डोसेज कंपनसेशन होती है ह्यूमंस में वो किसकी वजह से होती है, हाइपो एक्टिविटी ऑफ बोथ एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑटोसोम्स इन फीमेल्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स, इन एक्टिविटी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। तो राज, चाइना, ब्यूटी, शशांक, पूजा, शालिनी, बहुत ही बढ़िया, फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वही मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल बोलती है चलो हम अपने एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर देते हैं, उसी को ही डोसेज कंपनसेशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, शाबाश बच्चा पार्टी, शाबाश, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना, मॉल बायो से क्वेश्चन है, ओपेरॉन वाला क्वेश्चन है। अच्छा डी बोला था ब्यूटी जाना, फिर शायद मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो गई, वेरी गुड ब्यूटी जाना, वेरी गुड। अ म्यूटेंट इक्वलाइज स्ट्रेन सिंथेसाइजेस द एंजाइम परमीएज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एलोलेक्टोज, दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम, किस वजह से ये हो सकता है, म्यूटेशन इन द ऑपरेटर रीजन, म्यूटेशन इन द रिप्रेसर जीन, म्यूटेशन इन द स्ट्रक्चरल जीन, म्यूटेशन इन द प्रमोटर रीजन, विच ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, बताइए। ब्यूटी जाना सी बोल रही है, शशांक भी सी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी बताइए, सी लॉक कीजिए, कंप्यूटर साहब को बोले हम आंसर देने के लिए, कंप्यूटर साहब शशांक बोल रहे हैं सी आंसर सही है, कंप्यूटर साहब बोल रहे हैं शशांक गलत है, बबलू सी बोल रहा है, गोल्डी भी सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, बहुत ही बढ़िया शशांक, शशांक, ब्यूटी, बबलू, गोल्डी, साइना, सौरभा, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जिस जिसको समझ में नहीं आया मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, यहाँ पे क्या बोला है कि एक हमारे पास जो ऑपरॉन है ना वो परमीएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा, किसी भी कंडीशन में बनाएगा, भले ही एलोलेक्टोज हो या ना हो, तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन या तो ये है कि ऑपरेटर रीजन म्यूटेटेड है जिसकी वजह से रिप्रेसर उससे बाइंड नहीं कर पा रहा, या फिर रिप्रेसर रीजन म्यूटेटेड है, रिप्रेसर जो स्ट्रक्चर है वो म्यूटेटेड है जिसकी वजह से रिप्रेसर बन नहीं पा रहा और ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं हो पा रहा, सिर्फ यही दो ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंडीशन आ सकती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ब्यूटी जाना तुम पहले सी बोल रहे हो फिर ए बोल रहे हो, आंसर सही बोल के गलत क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट, हाय सुदीप्ता, हाय। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इन मियोसिस, मियोसिस की बात चल रही है, सेल बायो में आपको बताना है कौन से इवेंट है सबसे पहले होता है फिर बाद में, फिर बाद में, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन, क्रोमोसोम स्प्लिट्स एट द सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम रिकम्बाइन, बताइए। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही, बहुत आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो, जान कितना हंसोगे, बबलू बोल रहा है सी आंसर, ओके, एनीवन एल्स फटाफट जवाब दीजिए ऐसे क्वेश्चंस का, तो
शशांक भी सी बोल रहा है, अमृता डी, पूजा सी, गोल्डी सी। देख लिया जाए, देखो सबसे पहला तुम्हें ये तो लग गया है कि ए और बी तो होगा ही नहीं, तो इसको मैं हटा देती हूँ। आगे देखिए हम, तो सबसे पहले क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, वेरी गुड। सबसे पहले ये दोनों पेयर होंगे, उसके बाद इन दोनों में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट इन पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या फिर क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ऑब्वियसली पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये दो में टूटता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो सी ऑप्शन बकायदा एकदम विदाउट एनी डाउट सही है। बबलू, शशांक, पूजा, गोल्डी, साइना, अभिषेक, राजीव, निशा, शुभ्रा, ब्यूटी शाना, सुदीप्ता का सबका आंसर सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा विदाउट एनी डाउट, काफी अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स से, नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स वाली यूनिट से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फीनोटिपिक रेशियो आपको दिया हुआ है, 9:3:1 जो कि F2 जनरेशन में मिला है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द अबव फाइव फाइंडिंग, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अबव फाइंडिंग के लिए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू अलील ऑफ अ जीन हैव डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, द टू अलील्स आर कोडोमिनेंट, द अलील्स ऑफ जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, द जीन्स आर सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैम मेरी तो क्वेश्चन के साथ कमेंट पे आंसर ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं ब्यूटी जाना, सी ऑप्शन लग रहा है पूजा को, बबलू को सी ऑप्शन लग रहा है, एनीवन एल्स। गायत्री को भी सी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9:3:1 क्यों होता है, सबसे पहला रीजन है कि दो अलील होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला है वो सबसे ज्यादा रेशियो में लेता है, वहीं रिसेसिव वाला सबसे कम। भाई भाई बहन का सीन है, जो सबसे बड़ा वाला भाई होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा उठा लेगा खाने को, और छोटे वाले भाई तो बेचारे, कोर डोमिनेंट पे ये रेशियो नहीं आता है, अलील्स जो है सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें चार रेशियोज मिलते हैं, अगर सेग्रीगेट नहीं होते तो हमें सिर्फ दो रेशियो मिलता। जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जीन्स जो है वो असॉर्ट हो जाते हैं और गैमीट में सेपरेटली चले जाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजीव को क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, राजीव मुझे तो मोबाइल की स्क्रीन पे सही दिख रहा है, नेट चेक करो एक बार। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया गाइस, सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट मेंडल एग्जामिन्ड नॉट जस्ट द F1 जनरेशन इन दिस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बट दी F2 जनरेशन एज वेल, बिकॉज मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन को ही क्यों एग्जामिन किया, नहीं किया था F2 को भी क्यों किया था, उसका रीजन क्या है। मैनी ऑफ द F1 प्रोजेनी डायट पेरेंटल ट्रेट्स नॉट ऑब्जर्व इन द F1 जनरेशन रीअपियर्ड इन द F2 जनरेशन, ही ऑब्टेन्ड वेरी फ्यू F1 जनरेशन, मेकिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वॉज डिफिकल्ट, द डोमिनेंट फिनोटाइप वर विजिबल इन द F2 जनरेशन बट नॉट इन F1 जनरेशन। कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, बहुत आसान है। ब्यूटी जाना का कहना है सी, साइना का कहना है बी। नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट बोलिए यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अमृता का भी कहना है सी, बबलू बी, सौरभ डी, गायत्री बी, शुभ्रा डी, कोल्डी बी। जी बिल्कुल सही जवाब है बी, कि पेरेंटल ट्रेट जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखते वो F2 में रीअपियर हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम F1 जनरेशन में, हमें समझो ये वाली कंडीशन मिल गई, लेकिन हमें F2 जनरेशन में इसको इस तरीके से क्रॉस करके ये वाली कंडीशन वापस मिल सकती है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर रिसेसिव बोलना चाहिए था, तब हम मानते, इन्होंने डोमिनेंट के बोल के ना खेल लिए ये लोग। डी नहीं हो सकता, बी होना चाहिए, डी के लिए रिसेसिव लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड निशा, वेरी गुड राजीव, बहुत ही बढ़िया।
सुदीप्ता वेरी गुड. सुदीप्ता नहीं, डी नहीं होगा. निशा वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो वंस अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आर IA एंड क्रॉस्ड विद IA स्मॉल आई. अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फीनोटाइप आर पॉसिबल. कितने टाइप के जीनोटाइप और फीनोटाइप पॉसिबल है आपको ये बता रहे हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए. जब हमने क्रॉस किया IA IB को IA I के साथ, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, IA IB को क्रॉस करना है IA I के साथ. बी लग रहा है शशांक को, तीन जीनोटाइप्स एंड तीन फिनोटाइप क्रॉस करके देख ले IA IA. गोल्डी को सी लग रहा है, बल्ब ब्लू को भी सी लग रहा है. वन सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस. गोल गोल घूम रहा है. हाँ, गोल गोल घूमते घूमते बंद भी हो गया. एक सेकेंड रुक जाओ, वो लोड हो रहा है वापस. पावर पॉइंट लोड हो रही है, एक सेकेंड रुको तुम लोग. I'm back. So, देखा जाए. ओके, थैंक यू सो मच सौरभा फॉर टेलिंग. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम मैं यही ट्राई करूंगी. PC प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप. ओके, थैंक यू सो मच. अगर हम यहां पर देखें तो कितने होंगे, क्या होगा, लेट्स सी. यहां पे क्या होगा, इधर IA IA आ गया, इधर IA स्मॉल आई, IB IA और IB स्मॉल आई आएगा. तो कितने टाइप के हमें जीनोटाइप मिले हैं, 1 2 3 4, चार टाइप के जीनोटाइप मिले हैं. फीनोटाइप हमें कितना मिले हैं, 2 A ब्लड ग्रुप है, एक का AB ब्लड ग्रुप है और एक का B ब्लड ग्रुप है. तो क्या होगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. वेरी गुड ब्यूटी जाना, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक का आंसर सही है. C वाले सबका आंसर सही है. साइना का आंसर सही है. निशा वेरी गुड, बब्लू वेरी गुड, गोल्डी वेरी गुड. C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अनडाउटेडली. नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिसेप्टर्स इज नॉट प्रेजेंट ऑन दी सेल सर्फेस. सेल सर्फेस पे कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा. स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. हाँ जी शशांक जी, यस, स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, वेरी गुड. सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें शशांक. बबलू बहुत ही बढ़िया. हमेशा जो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड जो है वो आराम से मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करके आ सकता है. वेरी गुड साइना, वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड राज, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया. बिना सोचे समझे आपको बता देना चाहिए था. ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का क्वेश्चन है.
बोल रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है रिलेटेड टू जेनेटिक्स, आपको क्या बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन सब में से। स्टेटमेंट ए क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स कैन अकर एट एनाफेज टू ऑफ मियोसिस, द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज वन लीड्स टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन लीड टू वेरिएशन। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना। सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स कैन अकर एट एनाफेज टू ऑफ मियोसिस, द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज वन लीड्स टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन लीड टू वेरिएशन। शशांक सी बोल रहा है, पूजा भी सी, पुराज सी, सुप्रति ए, शुभ्रा सी, गोल्डी सी। सो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि जो सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स का होता है वो एनाफेज टू के फेज में हो सकता है। यहां पर एक मिनट, हाँ, यहां पर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है मेटाफेज वन में वो लीड करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। किस तरीके से अलाइनमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन लीड्स टू वेरिएशन, ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से वेरिएशन आती है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। पूछा क्या जा रहा है कि नेम टू अमाइनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, आपको बताना है कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। बायोकेमिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का, सिर्फ इतना बताना है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। वेरी गुड शशांक, मोहम्मद, साइना, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, हिस्टिडीन एंड लाइसिन, हॉल करके हमने याद भी किया। यस बबलू, दायत्री, गोल्डी, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चुल्लू मुल्लू सा क्वेश्चन है। सुप्रति का नहीं, शो तो हो रहे हैं, सुप्रति तुमने सी बोला था इससे पहले, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, वेरी गुड निशा अभिजीत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेम टू अमाइनो एसिड्स विद नेट नेगेटिव चार्ज एट पीएच 7, इनमें से कौन से अमाइनो एसिड है जिन पे नेट नेगेटिव चार्ज होगा पीएच 7 पे। ध्यान से देखो, नेट नेगेटिव चार्ज एट पीएच 7, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। वेरी गुड शशांक, मोहम्मद, साइना, गोल्डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि इसके पास दो दो COH ग्रुप होते हैं और सिर्फ एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा, तो दो COO नेगेटिव होंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, वन नेगेटिव बचेगा, तो सिर्फ एक एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ही ऐसे होते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है, नेट नेगेटिव पूछ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन बहुत इजी है, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, फंजाई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरसेस, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग फंजाई, क्या होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज आपको बताना। वेरी गुड शशांक, निशा, मोहम्मद, बबलू, साइना, बहुत ही बढ़िया, क्या होते हैं ऐसे वायरसेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोल्डी, वेरी गुड, ऐसी चीजें जो कि क्या करेगी, जो कि अफेक्ट करती हैं बैक्टीरिया को, इनका काम क्या होता है, ये क्या करेंगी, बैक्टीरिया में अपने जीन्स को इंसर्ट करती है और इनको अफेक्ट करती है। वेरी गुड साइना, सौरभा, वेरी गुड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है अभिषेक, बहुत बढ़िया, राजदीप बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसकी साइट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की, अमाइनो एसिड सिंथेसिस की, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की, लिपिड सिंथेसिस की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है, SER,
तो यहाँ पे पूजा, साइमा, निशा, गायत्री सबने, साइना सबने डी आंसर बोला है, दैट इज लिपिड सिंथेसिस। डाउट ही नहीं है कोई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बबलू सौरभा बिल्कुल सही, कोई डाउट ही नहीं होगा, लिपिड सिंथेसिस करते हैं भाई। इतना आसान क्वेश्चन अगर डीयू में पूछ रहे हैं तो आप लोग तो टॉप करोगे आराम से, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता है लिपिड का? स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकन, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है लिपिड का? ध्यान से देखना, लिपिड पूछा है। स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकन। तो शुभ्रा, राजदीप, राजीव, अभिषेक, निशा, साइना, दायत्री, ये सब पूछा, साइना ये सब बोल रहे हैं डी ऑप्शन, दैट इज ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकन। यस, क्योंकि ये किसका बना होता है? ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, बाकी सारे होंगे, क्योंकि इन तीनों में ही लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड होता है? सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, एल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस। महा आसान क्वेश्चन है, जिसको आता है ना सिट्रिक एसिड साइकिल वो चुटकियों में आंसर दे सकता है, बहुत आसान है। शशांक बोल रहा है सी, सुजाता बोल रही है डी, शशांक सी, निशा डी, दायत्री सी, पूजा सी, सबको लग रहा है सी, गोल्डी सी, पांडे जी सी, सौरभा सी, वेरी गुड। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने जब सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा रही थी तो मैंने बार बार आप लोगों को ये बात बोली भी थी। सिट्रिक एसिड साइकिल पे भी फ्री लेक्चर अवेलेबल है मेरा अन अकेडमी पे, अवंतिका लाइफ 10 यूज कीजिए और फ्री में उस लेक्चर को देख के आइए, बहुत प्यारा लेक्चर है। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज ऑप्टिमम फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑप्टिमम होता है? ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, वॉयलेट एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड, ऑप्टिमम पूछा है। इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, आप लोगों को याद हो तो, प्रिज्म यूज करके। वेरी गुड शशांक, वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड साइना, भावना, पांडे वेरी गुड, निशा वेरी गुड, साइना गुड, रोहित, सुप्रति सी नहीं होगा, दायत्री गुड, पूजा गुड, शुभ्रा गुड, ब्लू एंड रेड। याद है हमने इस तरीके से प्रिज्म लगा के देखा था, लाइट को देखा था, स्पाइरोगाइरा रखा था और यहाँ पे बैक्टीरिया रखे थे, याद आया एक्सपेरिमेंट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने दिया था वो एक्सपेरिमेंट, किसी को याद है? किसने किया था वो एक्सपेरिमेंट? इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस भी है वो, ऐसा हमने याद किया था उनका नाम। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज सिक्रीशन, वेसिकल फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। हेलो भावना, वेरी गुड शशांक इंगलमैन। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम क्या होता है? निशा बोल रही है डी, साइना बोल रही है डी, शशांक डी, रोहित भी, रोहित बोल रहा है बी, राजीव डी, शाहस्त्रांशु बोल रहा है डी, बहुत ही बढ़िया। क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं ना, जब सेल को डिवाइड करना होता है और डीएनए को खींचना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उस कंडीशन में क्या बनता है? उस कंडीशन में यहाँ पे फॉर्मेशन बनती है स्पिंडल फाइबर की, जो कि सेंट्रोसोम बनाता है। मेन काम इन्हीं का ही तो है, जो आज की हमने एक्शन पोटेंशियल की क्लास में देखा था कि ये नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स बेचारे डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनका दुख कोई पूछो उनसे। नेक्स्ट क्या हो है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो सी डी एन ए है उसकी सिंथेसिस किसकी वजह से होती है? हाँ, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं ना शशांक, तो आपको इजी लग रहे हैं, जिसने नहीं पढ़ रखे उसको नहीं लगेंगे ना। सी डी एन ए सिंथेसाइज बाय आर एन ए पॉल 1, आर एन ए पॉल 2, आर एन ए पॉल 3, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
वेरी गुड गोल्डी, भावना, शशांक, मोहम्मद, अभिजीत, साइना, पूजा, वेरी गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वेरी गुड सुप्रति, राजीव, निशा, बहुत ही बढ़िया। क्या होता है जब आरएनए से आप डीएनए बनाते हो तो उस डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का ये पूरा उल्टा चल रहा है। तो डी ऑप्शन कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चूज किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से ही है, ऑस्मोसिस से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच व्हेन अ प्लांट इज शिफ्टेड फ्रॉम आइसोटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल, अगर आप एक सेल को आइसोटोनिक से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो क्या होगा? सेल मर जाएगा, सेल स्वेल होगा, श्रिंक होगा, नॉट चेंज इन साइज। रोहित बोल रहा है मैम बी होगा। साइना क्या कहना है? सी। भावना बी। निशा बी। भारती भी। मोमिक भी। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट्स का अमाउंट कम है, वही वाटर का अमाउंट कैसा होता है? ज्यादा होता है। वही अंदर क्या है? सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है और पानी का अमाउंट कैसा है? कम है। तो ऑब्वियसली पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, यानी कि स्वेल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बहुत ही बढ़िया। जिन सब ने बी का आंसर दिया, मुझे लास्ट के कुछ कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं, गोल्डी, शुभ्रा, राजीव, इन सब के आंसर बिल्कुल सही है। सुजाता आंसर बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर जाएगा। यस भावना, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टीसीए साइकिल के बारे में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टीसीए साइकिल जब की जाती है तब उसमें एफएडी को एज अ को फैक्टर कौन सा एंजाइम यूज करता है? सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, या फिर एल्फा कीटोग्लूटारे, कौन यूज करता है एफएडी को एज अ को फैक्टर? सिर्फ एक ही है इनमें से। एनएडी को काफी करते हैं लेकिन एफएडी को सिर्फ कोई एक ही करता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए क्रेब्स साइकिल का। शशांक सी बोल रहा है, गोल्डी सी बोल रहा है, पूजा सी, सुप्रति बी बोल रही है, सौरभा सी बोल रहा है, भारती सी बोल रही है। नमस्ते दीपक, नमस्ते, कैसे हो आप? ब्यूटी जाना सी, अभिजीत सी, दया सी, वेरी गुड। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यही वो कंडीशन होती है जिसमें एफएडी से क्या बन जाता है? एफएडीएच2 बन जाता है। किसका किसमें कन्वर्जन होता है फटाफट बता दो, बहुत ही सिर्फ एक यही स्टेप होता है। अच्छा, हाय हाय गोल्डी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एफएडी से क्या बन जाएगा? एफएडीएच2 बन जाएगा, बहुत ईजी। कौन सा स्टेप होता है फटाफट बता दीजिए। शशांक तुम हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाओ कहीं पे, इतना हंस रहे हो। एक्चुअली मैम अभी मैथ्स के लेक्चर खत्म हुआ तो यूट्यूब पर आया और आपका लेक्चर। अच्छा दीपक तुम वही हो मैथ्स वाले, ओके ओके, आई रिमेम्बर। जाओ भाई जाओ, कौन जाने वाला था मैथ्स के लेक्चर में? चंद्रकांत जाने वाला था शायद। द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है? आइसोल्यूसिन, वेलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, कौन सा होता है स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड? बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड साइना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शास्त्रांशु, अभिषेक, पूजा, अभिषेक, साइना, राज, बहुत ही बढ़िया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बाबा बोलते हैं भाई हमारे पास कोई मोह माया है ही नहीं, हम ठहरे सिंपल से इंसान, हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमें प्यारे से ग्लाइसिन, दैट्स इट, सिंपलेस्ट है, बहुत सिंपल रहता है, कोई घमंड है नहीं, सिंपल है और घमंड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉल बायो से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोसोम इज इन्वॉल्व इन, न्यूक्लियोसोम किस में इन्वॉल्व होता है? डीएनए पैकेजिंग में, वन सेकेंड, हाँ तुम्हारे और एक ब्यूटी जाना, तुम दोनों के आंसर्स लेट शो हो रहे हैं सुप्रति। डीएनए पैकेजिंग, आरएनए पैकेजिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेशन एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट,
न्यूक्लियोसोम किसके लिए इन्वॉल्व होता है? शशांक पांडे, मोहम्मद, भावना, साइना, पूजा, दया, साइना, सबके आंसर, अभिषेक सबके आंसर सही है, बाय बाय दीपक, रोहित, अभिजीत, ए में होता है डीएनए पैकेजिंग में, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम लग जाते हैं और क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सबके आंसर एकदम शानदार, बिल्कुल सही आंसर्स थे। ए ए ए बहुत ही बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट इज मेनली रेगुलेटेड बाय। डोरेमोन की वॉइस यार, वो ऐसे निकलती है, डोरेमोन की नहीं, नोबिता की आती है मुझे, डोरेमोन की थोड़ी। अरे अरे भावना, तुम कैसी बातें करती हो, मैं नोबिता की आवाज निकालती हूँ और तुम मुझे डोरेमोन बना रही हो, बहुत गलत बात है। यस दया, आई नोटिस, दयात्री से तुमने अपना नाम दया रख लिया, मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया, आई हैव नोटिस दैट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है उसको? यस वेरी गुड, सी रेगुलेट करेगा, दैट इज पोटेशियम चैनल उसको रेगुलेट करते हैं, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड गाइस, सी सुभाष पांडे, साइना, गोल्डी, भारती, शुभ्रा, सबने सही जवाब दिया, अभिषेक, कुणाल, सुप्रति, ए नहीं होगा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच। हाँ ये हमारी प्लस की क्लासेस में ऐसे थोड़ी मस्ती मजाक चलते रहते हैं ना, तो इन लोगों को पता है, तो यूट्यूब पे भी ये लोग लाना चाहते हैं मेरी ऐसी मस्ती, बट ठीक है, प्लस पर हम लोग ऐसी मस्ती करते करते पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, एलिजाबेथ स्वान, ये कौन है? थैंक यू सो मच साइना, थैंक यू सो मच। हे माँ, माता जी इतनी भी तारीफ मत करो, टप्पू के पापा, बस 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 ठीक है चलो। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एक्सपेरिमेंट, थैंक यू सो मच शशांक, इन एन एक्सपेरिमेंट सेल कल्चर वॉज सप्लाइड विथ 35S रेडियो आइसोटोप टू लेबल द न्यूली सिंथेसाइज पेप्टाइड्स, अमंग द फॉलोइंग विच पेप्टाइड विल बी लेबल्ड। इन्होंने 35S रेडियो आइसोटोप से लेबल किया है। अच्छा तुम लोगों ने क्या यहाँ पे क्लास चल रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री? ये हमारी क्लास चल रही है और यहाँ बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा लिखी है तुमने सौरभा? क्या होगा यहाँ पे, कौन सी कंडीशन में रेडियो आइसोटोप आएगा? अरे ध्यान से देखो भाई, ध्यान से आंसर दो, क्या कर रहे हो, गलत आंसर क्यों दे रहे हो? ये मैं हूं, ये हमारी क्लास चल रही है और यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत जवाब दे रहे हैं। अरे भाई ग्लाइसिन, सिस्टीन, वेलिन एंड प्रोलिन में दिखेगा ना, सिस्टीन के पास होता है सल्फर ग्रुप, 35S से रेडियो लेबल किया है, SS सल्फर बाबा से, ए ऑप्शन सही होगा ना, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, अब ना मुझे ही आके तुम लोगों को मार के जाना पड़ेगा, इतने इजी क्वेश्चन को तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? ए ऑप्शन सही होगा भाई, सिस्टीन सल्फर, भूल गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपो आइसोमरे से रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया शशांक, बहुत बढ़िया। टोपो आइसोमरेज आर इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग, टोपो आइसोमरेज को किस लिए यूज किया जाता है? टोपोलॉजी ऑफ ट्रांसलेटिंग एमआरएनए को देखने के लिए, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, बाइंडिंग ऑफ हिस्टोन्स टू डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ टीलोमर्स, किसके लिए यूज किया जाता है टोपो आइसोमरेज को? टोपी वाले टोपो बना, वेरी गुड मोहम्मद, पूजा, भावना, शशांक, तनु, बहुत ही बढ़िया, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, सुपर से ऊपर जब होता है तब टोपो आइसोमरेज आता है, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही बढ़िया शानदार,
शानदार. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट हीट टॉलरेट. कौन सा इनमें से हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, यानी कि नौरा फतेह अली खान को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगा हाई गर्मी. पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज, इक्वलाई डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीप वेंट डीएनए पॉल. हीट को कौन झेल नहीं सकता है, बोलता है हमसे ना हो पाएगा नौरा फतेह अली खान को झेलना. बी ऑप्शन इक्वलाई डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही बढ़िया, हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसके लिए हम उसको यूज नहीं करते हैं. किसके लिए हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, पीसीआर टेक्निक के लिए. मैम आप बच्चों को जल्दी नींद दिला दोगी, इतनी अच्छी गा, अरे यार लोरी थोड़ी गा रही हूँ, कैसी बातें करते हो मोहम्मद. बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबके जवाब मुझे बीबी 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 दिख रहे हैं, बीबी की वाइंस बस मुझे अब याद आना रह गया था, बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट, ऐसे तो तुम बोलोगे मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स तो बस सोते ही रहते होंगे ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द फीनोटाइप ऑफ इकोलाई फॉर लैक ऑपरॉन इफ द जीनोटाइप इज आई प्लस ओ नेगेटिव जेड प्लस वाई प्लस ए प्लस. अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फीनोटाइप ऑफ इक्वलाई लैक ऑपरॉन का क्या होगा. शशांक जल्दी ही देगा तुम्हें, भावना टेंशन मत लो, शशांक जल्दी ही देने वाला है. इट वुड बी रिप्रेस्ड बाय इंड्यूसिबल, इट वुड बी रिप्रेस्ड बट इंड्यूसिबल बाय आईपीटीजी, इट वुड बी रिप्रेस्ड एंड नॉट इंड्यूस्ड बाय आईपीटीजी, इट वुड बी शो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, इट वुड शो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स हूज एक्सप्रेशन वुड फर्दर बी एनहांस्ड बाय आईपीटीजी. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ मुझे शशांक के सी 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 दिख रहे हैं, मुझे शशांक समझ में आ गया तुमने सी आंसर दिया है. सुप्रति बी बोल रही है, पूजा सी बोल रही है, भावना भी सी, ब्यूटी जाना बी, मोहम्मद डी बोल रहा है. बहुत आसान है यार, देखो गौर से देखो. अच्छा कमेंट्स तुम्हारे लेट शो हो रहे हैं, हाँ ब्यूटी जाना तुम्हारे और एक सुप्रति के क्वेश्चन कमेंट्स लेट शो हो रहे हैं. यहाँ पे क्या है, ओ सी है, ओ स्त्री नहीं, ओ सी है, ओ स्त्री कल आना. यहाँ पर ओ नेगेटिव है, सी यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि मतलब कि इस पे आके रिप्रेसर के जो चच्चा जान है वो कभी भी बाइंड नहीं हो पाएंगे. रिप्रेसर कुछ भी कोशिश कर ले वो आके बाइंड नहीं हो सकता. रिप्रेसर के चच्चा अगर आके बाइंड ही नहीं हो पाएंगे तो एक्सप्रेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. तो कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. गोल्डी अभिजीत शशांक भावना पूजा सबके आंसर बिल्कुल सही है. ब्यूटी तुमने वीडियो को पीछे किया होगा, लाइव करो. नेक्स्ट, वाह शशांक वाह, कोई आइडिया दे तो तुम्हारे जैसा दे, नहीं तो ना दे, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ नॉर्मल मेल. अच्छा कलर ब्लाइंड की शादी हो गई है नॉर्मल मेल के साथ तो उनके बच्चे कैसे होंगे, हमें क्या पता कैसे होंगे, जाके उनसे पूछो. ऐसा कभी अगर कोई डॉक्टर तुम्हें बोले तो मुझे क्या पता कैसे होंगे, खुद देखो कैसे होंगे, फ्यूचर में देख लेना 9 महीने बाद कैसे होंगे. क्या बोल रहा है कि कलर ब्लाइंड फीमेल जो है उसने शादी की है नॉर्मल मेल के साथ तो कैसे बच्चे होंगे. रोहित डी, पूजा डी, शशांक डी, भावना डी, सुप्रति डी. कलर ब्लाइंड फीमेल है और मेल कैसा है, नॉर्मल है. पूजा डी बोल रही है, ब्यूटी जाना भी डी, कृति डी. तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करके देखें तो XCX, XCX, XCY, XCY यानी कि कलर ब्राइंड होंगे सन्स, वहीं डॉटर कैसी होंगी, कैरियर होंगी. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज बिल्कुल सही. वो बोलते हैं ना मम्मी घर को सजा भी सकती है बिगाड़ भी सकती है, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो अफेक्टेड हो गए, दो कैरियर हो गए. वही फादर अगर इन्फेक्टेड होते तो सन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और वहीं डॉटर सिर्फ और सिर्फ कैरियर होती है, लेकिन अगर मम्मी अफेक्टेड है तो चारों के चारों में उन्होंने तो तबाही मचा दी. इसलिए मम्मियों से बच के रहने का चाहिए, बच के रहना रे पापा, मम्मी की नजर है तुम पे भी नजर है और हम पे भी नजर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. सेल बायोलॉजी का महा आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑटोसोमल होती है, महा इजी क्वेश्चन. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम.
सहस्त्रांशु, रोहित, शशांक, भावना, सुजाता और मोमित, तनु, ब्यूटी चाना, गोल्डी, अभिषेक, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया जवाब बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा और कौन सी ऑर्गेनेल होती है जो कि कैसी होगी, जो कि सेमी ऑटोनॉमस होती है? और कौन सी ऑर्गेनेल है जो सेमी ऑटोनॉमस होती है? सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद के पास उसका डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का प्रोटीन है। कमाती जरूर है वो, लेकिन कमाती कितना है? 5,000 ही कमाती है। उसका खर्चा महीने का 15,000 है, तो 10,000 रुपए मम्मी पापा से ही लेने पड़ते हैं। बस यही वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद का प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 5,000 जितना बनाते हैं, 10,000 मम्मी पापा से ही लेने पड़ते हैं। इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके क्वेश्चन के कहने को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स होते हैं उनको आप कहाँ डिग्रेड करोगे? कोपचे में लेकर जाओगे, पर किधर कोपचे में लेकर जाओगे? गॉल्जी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर प्रोटीओसोम में? कहाँ पे लेकर जाना पसंद करेंगे? वेरी गुड सुप्रति, शशांक डी बोल रहे हैं दोनों, पूरी सहमति है दोनों की। कृति भी डी बोल रही है, भव्या भी डी, बिल्कुल सही। प्रोटीओसोम, तनु वेरी गुड। क्या होगा? प्रोटीओसोम में प्रोटीन को डिग्रेड किया जाता है, यही वो खोपचे हैं जहां पे उसको ले जाके डिग्रेड किया जाता है प्रोटीओसोम। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से आप क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्रीजेस, टीएम कब इंक्रीज होता है? इंक्रीज बाय मॉडिफाइड बेसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिनिन थायमिन बेसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ ग्वानिन साइटोसिन बेसिस, बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन टीएम ऑफ डीएनए। टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कब इंपैक्ट पड़ेगा उस पे? क्या लग रहा है? सी 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 डी सी सी लग रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आपको दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है, अगर आपको दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर करना है तो ये ज़रूरी है दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से चिपक के बैठे रहें। ठीक है, जैसे आजकल के निब्बा निब्बी एक दूसरे को चिपक के बैठे रहते हैं, वैसे ये भी क्या हो, ये भी एक दूसरे को चिपक के बैठे रहें। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आपको चिपक के बिठाना है तो आपको क्या चाहिए? ट्रिपल स्ट्रैंड चाहिए उन दोनों के बीच में, ताकि वो दोनों चिपक के बैठे। तो ट्रिपल स्ट्रैंड किसके बीच में होता है? ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता है? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। वही एडिनिन और थायमिन के बीच में सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप उनके बीच में 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड ले आओगे तो वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेरी गुड राजीव, भावना, दया, भव्या, मोमित, शशांक, सुप्रीति, गोल्डी, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सी यूनिट से है? वंस अगेन मॉल बायो से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोसोम कोर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। तो आपको न्यूक्लियोसोम और उसके स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। Consisting of 8 histones molecules and a specific length of DNA. Consisting of 8 histone molecules and a specific sequence of DNA. Consisting of 4 histone molecules and a specific length of DNA. Consisting of 4 histones and a specific sequence of DNA. कौन सा आंसर इनमें से आपको लग रहा है बिल्कुल सही है, बताइए। मुझे
मुझे ही जवाब नहीं दिख रहे हैं या तुम लोगों ने जवाब देने बंद कर दिए हैं? अच्छा मुझे ही जवाब नहीं दिख रहे, इतने सारे जवाब आ चुके थे। ए ए ए बी 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 बी, ए बी और ए बी में ही लग रहा है आपको। तो क्या होता है इसमें, आपको इतनी तो पक्की बात लग रही है, आठ स्टोन होंगे। ठीक है, आठ स्टोन आपने बिल्कुल सही बात बोली। अब स्पेसिफिक लेंथ होती है या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, बाशक बेशक क्या होगा, स्पेसिफिक लेंथ होती है। स्पेसिफिक लेंथ क्या होगी, स्टोन को रैप कर दिया। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किस किस का आंसर सही है भाई? ए ए वाले। मैम आप जा ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नोबिता की तरह। कहाँ से लिए, मैं भी लूंगा यार। क्या नोबिता बना के छोड़ोगे तुम लोग मुझे, लेंस कार्ड से लिए वैसे मैंने। सुप्रति, भव्या, मोमित, अभिजीत, सुजाता, रोहित, ब्यूटी जाना, अर्पिता, गोल्डी, पूजा, दया, भारती, राजीव, सुप्रति, इन सब के जवाब सही है। इन सबके जवाब सही है। देयर इज, देयर विल बी सेपरेट एग्जाम्स फॉर डी यू पी जी, इफ येस वॉट आर द पेपर्स विल बी देयर। येस ऑब्वियसली सेपरेट पेपर होगा। और वॉट आर द पेपर्स, एज इन सारे होंगे, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बॉटनी, सब पेपर होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो बेकायदा बिल्कुल सही है, नो डाउट। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा, इसमें कोई दोराहे है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, पैसिव इम्यूनिटी कैसे ऑब्टेन की जाती है। एक सेकेंड। इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल इंडिविजुअल कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन, आवर बॉडी, आवर ऑन बॉडी सेल्स प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी सॉरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ड्रिंकिंग मेडिसिनल कॉन्कॉशन। ए ए ए, इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल इंडिविजुअल कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी ने उसके लिए मेहनत की है, हमारी बॉडी ने उसके लिए मेहनत की है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है। एंटीटॉक्सिन लिखा हुआ है लास्ट में, ये भी तो देखो, हमने उसके साथ एंटीटॉक्सिन भी इंजेक्ट किया है, मतलब टॉक्सिन के खिलाफ लड़ने वाली चीज भी हमने उसके साथ ही इंजेक्ट कर दी एंटीटॉक्सिन। तो हमारी बॉडी क्यों मेहनत करेगी पैसिव इम्यूनिटी के लिए? वाह, पहले सबने ए ए ए की भारत लगाई, फिर अब सब बी 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 बोल रहे हैं। यस, आर ऑन बॉडी सेल्स प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, हमारी खुद की बॉडी एंटीबायोटिक्स क्यों निकल रहा है मेरे बहुत से, एंटीबॉडीज, हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है ताकि वो क्या कर सके, अपनी प्यारी सी बॉडी को बचा सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट आइसो इलेक्ट्रिक पी एच, आइसो इलेक्ट्रिक पी एच पे क्या नहीं होता है, द चार्ज ऑन प्रोटीन इज, क्या पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रिक पी एच पे चार्ज क्या होता है। वाह सौरभा, आज मुझे पूरा कंप्यूटर सिखा देगा, वेरी गुड सौरभा, थैंक यू सो मच। पैसिव मतलब हमारी बॉडी बना रही है, एक्टिव मतलब बाहर से ले रहे हैं, रिफरेंस समझ में आया, पैसिव मतलब कि हमारी बॉडी बना रही है। सबको डी 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 लग रहा है, कुछ कुछ है जिनको सी लग रहा है, बाकी मैक्सिमम को डी 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 लग रहा है कि जब एट आइसो इलेक्ट्रिक पी एच द चार्ज ऑन द प्रोटीन इज, चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज जीरो या फिर नो चार्ज ऑन प्रोटीन। सी और डी में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो नेट चार्ज ऑन प्रोटीन विल बी जीरो, प्रोटीन पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, जीरो होगा नेट चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर किसका जवाब सही है? डी ऑप्शन सुजाता, अभिषेक, मर्यम। अरे वाह, मर्यम आ गई, अभिषेक, शुभ्रा और शशांक, रोहित, अभिजीत, ब्यूटी चाना, पूजा, सुप्रति, भारती, अक्षय, अक्षय भी आ गया, भव्या, इन सबका आंसर सही है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अच्छी है या एमएससी जूलॉजी, वो डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अर्पिता, आपको फ्यूचर में क्या करना है उस पर डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, हार्डी वेनबर्ग लॉ गिव्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ, हार्डी वेनबर्ग जो लॉ होता है वो किसका कॉन्सेप्ट देता है बताइए। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर म्यूटेशन। तनु बोल रही है सी, भव्या भी बोल रही है सी। पूजा का कहना है सी, सुप्रति सी, गोल्डी सी। वेरी गुड, क्या होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग तो बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट होना ही नहीं चाहिए, म्यूटेशन होना ही नहीं चाहिए, इन सब तीनों चीजों के खिलाफ है वो। वो बोल रहा है जेनेटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि क्या होगा कि वन रहना चाहिए, हर एक चीज कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, एज इन यहाँ पर विच ऑफ दी विच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में कौन सी चीज एक्टिव होगी, स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होगा बताइए। जनता वॉन्ट्स टू नो। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर कंप्लीट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सी 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 डी सी ए, अक्षय ने बोला है ए, नो लोकतंत्र ए, भव्या भी बोल रही है ए, शुभ्रा बोल रही है सी, कुणाल बोल रहा है सी, अक्षशांक सी। तुम लोगों को याद है मैंने वो बताया था क्लास में, कुत्ता छोड़ दिया था हमने पीछे, कुत्ता छोड़ा उसको डर लगता है, स्ट्रेस की कंडीशन है, भागेगी वो, कौन सा होगा? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, यस, क्लास में याद है बताया था सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, माधुरी दीक्षित के सामने आने की वजह से नहीं बढ़ती है, डर लगने की वजह से बढ़ती है। क्यों होती है? इसलिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आगे आता है। शाहरुख खान ने झूठ बोला, तुम आई तो मेरी धड़कनें तेज हुई, ना ना ना, शाहरुख खान को कोई बताओ, बेटा गलत पढ़ा है आपने। किसकी वजह से होती है भाई? माधुरी दीक्षित के आने की वजह से नहीं होती है, डर लगने की वजह से होती। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रिजेंबल करता है, हमने जो क्वेश्चन देखा था पहले उससे रिलेटेड ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वॉज यूज बाय मेजल्सन एंड स्टॉल टू सेपरेट डीएनए लेबल्ड विद 15 एंड फ्रॉम 14 एंड। माही के पीछे, अरे नाम नहीं लेना, शुच, सबको पता चल जाएगा, नहीं तो हमने किसके पीछे कुत्ता छोड़ा था। ये सब अपनी क्लास की बात है, क्लास में ही रहनी चाहिए। बताइए, डी 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 सबको लग रहा है, अभी देखा था हमने क्या होगा यहाँ पे। अरे नोट नेट चार्ज जीरो, अब वो क्वेश्चन तो कब का हो गया। पूजा, सुप्रति, कुणाल, तनु, भारती, गायत्री, गायत्री ने फिर से अपना नाम चेंज कर लिया। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी सी ए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये यूज किया था उन्होंने सेपरेट करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं बिल्कुल एक भी रुपया नहीं। वेरी गुड, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीनोटाइप होता है क्लाइनफेल्टर का, एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स ओ, एक्स एक्स वाई या फिर डबल एक्स। क्लाइनफेल्टर का इनमें से कौन सा होता है सीक्वेंस जेनेटिक? 1 करोड़ दे दूं तुम्हें? 1 करोड़ तो नहीं दूंगी मैं तुम्हें, 10 लाख बिल्कुल दे सकती हूँ। आई कैन श्योरली गिव यू 10 लाख। सबको क्या लग रहा है? सी सी सी, डबल एक्स वाई, बिल्कुल सही, डबल एक्स वाई जो है करेक्ट आंसर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर एकदम सारू छे, बढ़िया छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉग ऊसाइड डू नॉट स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज एब्सेंस ऑफ, किसकी वजह से जो फ्रॉग का ऊसाइट होता है वो स्वेल नहीं होता है, कौन है वो, कौन है वो रीजन? ए ए ए लग रहा है सबको, शशांक तो बड़ा हेवी ड्राइवर है, ड्राइवर क्या होगा, एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन, एक्वामैन याद है ना, एक्वापोरिन, एक्वाबोरिन की वजह से क्या नहीं आएगा, वाटर अंदर नहीं आएगा, वाटर अंदर नहीं आएगा तो स्वेल नहीं होगा वो, तो बहुत ही बढ़िया शशांक, भव्या, रोहित, मरियम, अभिषेक, अभिजीत, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, काफी अच्छे, बहुत ही बढ़िया, जूम कर दिया जाएगा, ये लीजिए राजीव, क्वेश्चन को जूम किया जा रहा है। आई थिंक कुणाल पिच के वीडियो में लाइव में नहीं है शायद, कुणाल क्या बोल रहे हो यार तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 30 mole% ऑफ साइटोसिन, व्हाट वुड बी द मोल परसेंट ऑफ एडेनिन इन इट। शशांक पहली बात कौन कुणाल, पहले तो तुम ये जवाब दो, फिर मैं आगे के प्रश्न का जब कुछ उत्तर दे पाऊंगी। 30% साइटोसिन है तो एडिनिन का मोल परसेंट कितना होगा, भव्या बोल रही है मैम बी, रोहित बोल रहा है सी, बी बी बी, भव्या बी, मरियम बी, भारती बी, सुप्रति बी, ज्यादा बी हो रहा है तो बी को ही लॉक कर दिया जाए। अगर हम देखें 30% क्या है, साइटोसिन है तो जितना साइटोसिन उसकी पूंछ पे उतना ही ग्वानिन, तो 30 ग्वानिन 30 साइटोसिन, टोटल कितना हो गया 60 हो गया, बचेगा कितना 40 में 20 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 20 होगा एडिनिन, 20 होगा थायमिन, बी ऑप्शन जो है एकदम शानदार तरीके से सही है, बहुत ही बढ़िया शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूछना है कि लेट सी वन सेकेंड, कुछ ज्यादा ही साइज बड़ा हो गया मैम, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पिन करो, यहाँ पे पिन नहीं होता है टेलीग्राम का लिंक शशांक, वो सिर्फ अपने अन अकेडमी की प्लस या फिर स्पेशल क्लास में ही होता है, यहाँ नहीं होता है वो। इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज एज फॉलोज 5' to 3', द सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वुड बी। किसी को भी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो सर्च कर सकते हैं बाय द नेम बंसल बायोलॉजी, एक ये ग्रुप है और फिर बंसल बायोलॉजी अन अकेडमी भी ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप। ओके शशांक, बी 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 सबको लग रहा है, बी होगा यहाँ पर, अगर सीक्वेंस डीएनए का 5' to 3' ये है तो एमआरएनए का क्या होगा सीक्वेंस, किसी को लग रहा है बी, किसी को लग रहा है सी। अगर हम यहाँ पर देखें 5' to 3' ये ना तो सेम डिट्टो सीक्वेंस होता है आरएनए का, डिट्टो, तो क्या होगा जी ए ए यू यू जी सी सी ए ए यू यू जी सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ए नहीं बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। ज्योति, मरियम, शुभ्रा, वेरी गुड, भव्या, वेरी गुड, भव्या, वेरी गुड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नहीं हो सकता है बच्चा, 5' से 3' होता है डीएनए और 3' to 5' होता है डीएनए का सीक्वेंस, तो ये जो 3' to 5' वाला डीएनए है ना वो बनाता है 5' to 3' आरएनए, तो ये वाला जो सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस डिट्टो कॉपी होता है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें टीटी होता है और इसमें यूयू होता है, That's it, और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं होता।
नेक्स्ट पे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है, कौन सिंथेसाइज करता है बताइए. ग्लाइकोजन करता है, ट्रिप्टोफेन करता है, स्टेरिक एसिड करता है या फिर कोलेस्ट्रॉल करता है, कौन करेगा? डी लग रहा है सबको. रोहित, भव्या, मरियम, प्रेरणा, सबको डी लग रहा है. तनु डी, मोमे डी. क्लास का टाइमिंग इकोलॉजी वाला तो अपना 2:30 है शशांक, या तो 2:30 या फिर 2:00, इन दोनों में से कोई एक टाइमिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा. और शाम को अपना 6:00 होता है, वो तो एनिमल फिजियोलॉजी का है, दोनों प्लस के सेशन. डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल से होता है. राजीव, वेरी गुड. सुजाता, अभिषेक, पूजा, अभिजीत, अक्षय, भारती, मोमे, तनु, ब्यूटी, प्रेरणा, मरियम, भव्या, रोहित, वेरी गुड. डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, कोलेस्ट्रॉल. वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर. शशांक तुम्हारे कौन से एग्जाम आ गए, कॉलेज एग्जाम? कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, और कुछ नहीं हो सकता है शशांक. इंजेक्शन ऑफ एंटी वेनम टू अ पेशेंट. शशांक तुम स्पैम करना बंद करो. इंजेक्शन ऑफ एंटी स्पैम टू अ पेशेंट फॉर स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल होता है अगर तुमने क्या किया, एंटी वेनम दिया एक पेशेंट को. एंटी वेनम यानी कि एक तरीके से तुमने दवाई दे दी पेशेंट को, अब उस पेशेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको आपने पहले से ही दवाई दे दी है. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. राइट, आप लोग जो उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे ना, मुझे अब स्ट्राइक हुआ, वो क्वेश्चन का जवाब ठीक है आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, ए ऑप्शन होगा उसका. वो वाला जो पैसिव इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन था ना, उसका ए ही होगा. किसी ने बोला भी था मैम आप उल्टा ले रहे हो, स्ट्राइक हो गया मुझे. यस, आप लोगों ने सही बोला था. पैसिव इम्यूनिटी यानी कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, वहीं एक्टिव इम्यूनिटी में आपको काम करना पड़ रहा है. एक्टिव इम्यूनिटी में आपको काम करना पड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एंटी वेनम आपने बाहर से दिया यानी कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होगा. बी ऑप्शन बिल्कुल सही है. वेरी गुड शशांक, भव्या, राजीव, पूजा, प्रेरणा, कृति, वेरी गुड. आप में से जिस जिसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उधर आपको हर अपडेट मिलेगी, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व हो ही जाते हैं. बंसल बायोलॉजी अन अकेडमी फटाफट सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, फटाफट से ये काम कर डालिए अभी के अभी. वो क्वेश्चन फिर से अगर मैं निकालूं, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा. इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं. पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है. पैसिव इम्यूनिटी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो आवर बॉडी सेल प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, ये तो एक्टिव हो गया ना, ये एक्टिव इम्यूनिटी हो. ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गया. तो क्या होगा, इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल इंडिविजुअल कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन. यस, ए ऑप्शन ही इसका सही था, बिल्कुल करेक्ट. ए ऑप्शन इसका विदाउट एनी डाउट सही था. समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब क्या थे, अपने डीयू के क्वेश्चंस थे. वेरी गुड. इसके अलावा यहाँ पर ये सारे जो बैचेस है, इकोलॉजी अपना 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 2:00 है शशांक, टाइमिंग 2 PM को है. इवोल्यूशन 12 तारीख से शुरू हो रहा है. जेनेटिक्स जून में शुरू हो रहा है. मॉल बायो 10 मई से शुरू हो रहा है. उसके अलावा RDT जो है वो शुरू हो रहा है 19 अप्रैल से. उसके अलावा डेव बायो भी नियर अराउंड 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. और एनिमल फिजियोलॉजी इज ऑन गोइंग, एनिमल फिजियोलॉजी इज ऑन गोइंग. तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं. तो अगर आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है, पवंतिका लाइफ 10 लगा सकते हैं, 10% डिस्काउंट पा सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आपको नहीं लेना है सब्सक्रिप्शन तो इट्स योर चॉइस. प्लस स्पेशल क्लासेस की कमी है नहीं, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है, जिसमें से हार्डी वेनबर्ग में मैंने ट्रिक्स बताई है
गेट भी, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगा कहीं पे भी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमैटोग्राफी, और इस तरीके से आपकी बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री प्रेजेंट है। जो ऊपर वाले ये सारे कोर्सेस प्लस के हैं राजीव, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अवंतिका लाइफ 10 यूज करके, या फिर बंसल बायोलॉजी यूज करके, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर बाकी ये सारे जो है फ्री है, ये सारे फ्री हैं। पूजा टूल टेक्निक की स्पेशल क्लास हुई है, क्रोमैटोग्राफी की हुई है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हुई है, ऐसे काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, बाकी क्लासेस ले लेंगे। प्लस पे मैं कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, प्लस पे जल्द जो है रिलीज होने वाला है मेरा कोर्स टूल्स एंड टेक्निक्स का भी। जल्द रिलीज हो जाएगा उसका भी। कौन क्वेश्चन मतलब होता है कि मिक्स करके चीजों को क्रिएट करना। मैम आरडीटी की टाइमिंग 8:30 बजे है, 8:30 PM है शुभ्रा, 8:30 PM है, ठीक है। इकोलॉजी की है 2 बजे और बाकी इवोल्यूशन की रात को 8 बजे, और इतनी सारी फ्री क्लासेस मौजूद है, आप सारी लिस्ट देख सकते हैं, सबके सब अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री। जिसको देखनी है जाके देख लीजिए, अवंतिका लाइफ 10 यूज करके नीचे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। और बाकी अगर आपको पूरा सिलेबस, नियर अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करना है मुझसे, तो अवंतिका लाइफ 10 यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट पाइए। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ मेरी अटेंड कर पाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब अटेंड कर पाओगे। तो 3 महीने का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर ये चार्जेस प्रेजेंट है, 3 मंथ्स का 5,000 है, लेकिन अगर आप कोड लगाएंगे तो सिर्फ 4,500 में हो जाएगा बंसल बायोलॉजी कोड लगा के। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, सब पे आपने लगाया तो आपको मिल जाएगा बंसल बायोलॉजी पे 10% का डिस्काउंट। दैट्स इट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। हम अपने कोर्स जल्दी खत्म कर लेंगे, कौन कौन सा, सेल बायो कर लेंगे, हम बायोकेम कर लेंगे, मॉल बायो, इम्यूनो, इम्यूनोलॉजी भी लॉन्च होगा मई में, डेव बायो, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इको, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, आरडीटी, टूल्स एंड टेक, ये सारी के सारे जो है हम कंप्लीट करेंगे फटाफट 3 महीने में इन डिटेल विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन, विद पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी विद मी इन दिस क्लास। आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही हम क्लास में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मजे करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ पे भी रहिए, खम्मा गणी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टटा टवा हुआ, एजी एजी, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।